हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। ये हम अपने डेरे की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो घर से रास्ता है वो जो साइड यार्ड है उसमें से, और ये अगर बाहर से आए तो एक ये। सामने लॉन, लॉन के कॉर्नर में छोटी सी पहाड़ी, और ये इस पहाड़ी के ऊपर कुछ कैक्टस के कुछ पौधे, और इसके इस तरफ गुलाब है। लेकिन गुलाब अब गर्मी हो गई है तो सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो इसका अभी कुछ फूल इस पर मौजूद है। ये पीछे है जो इसकी ताज़ा कटाई की गई है। तो इस तरफ और पौधे हैं, ये देखिए हैज में से एक अनार निकला हुआ है बाहर। ये सदाबहार फूलों के पौधे हैं। यहाँ कुछ एलोवेरा है, इस तरफ और ये खजूरें और अनार, और यहाँ भिंडियाँ के साथ ये कुछ कद्दू की बेलें हैं, हलवा कद्दू। ये फिर और भिंडियाँ हैं, ये अमरूद। इस तरफ ये नई लगाई गई है ताज़ा सब्जी, अभी उग रहे हैं पौधे, बीज लगाए हैं इसमें। ये पहले के वो बैंगन, ये खजूर, ये भी बैंगन है। तो सब्ज़ी का यह है कि इसे एक ही बार ना लगाएं कुछ पौध, फिर दो हफ्ते के बाद, फिर दो हफ्ते के बाद और लगा दें, क्योंकि एक दफ़ा जब ये तैयार होकर ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये दूसरा तैयार होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये छोटी भिंडियाँ हैं, वो पहले वाली बड़ी थी जो हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और ये फिर एक नैप, ये अभी उग रहे हैं पौधे। और इस तरफ भी ये फिर वही इंडिया, इस तरफ देखिए ये भी नहीं लगी, अभी उग रही है। तो ये लान, ये वो रास्ता जहाँ से हम आए थे, और ये पीछे घर है, और ये हमारा डेरा। तो इसमें ये दरख्त भी हैं और फूल भी हैं और सब्जियां भी हैं। तो ज़मीन हमें जो कुछ दे सकती है तो वो लेने की कोशिश की गई है। तो गुलजार साहब ने कहा था ना, ज़मीन सा दूसरा कोई सखी कहाँ होगा, ज़रा सा बीज इसे दो तो पेड़ देती है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।